जैसे बाइक का पूरा हिस्सा खत्म हो गया था, राख था कुछ नहीं होता, पिछले वाला हिस्सा भी खत्म हो गया जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था। पहले वहाँ चलते हैं। लो भाई बबली के कंगन और गहने मिलने शुरू हो गए। तो गाइस वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हो सीएचओपी के व्लॉग। गाइस ये देख लो, मुंह फूट गया, टूट गया, ये भी टूट गया, कंधा भी टूट रहा। एक बार बाइक लेके जाना पड़ेगा, एजेंसी में इंश्योरेंस भी तो लेना पड़ेगा, वरना भाई कावड़ के बाद मिलेगी, और मेरे को कावड़ से पहले लेनी अपनी बाइक, लेकिन 11 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। अभी 10 बज चुके हैं भाई, स्पीड से नहीं चला रहा था, 50 की स्पीड चला रहा था। सामने बाइक वाला खड़ा था, बाइक वाले के जाकर टक्कर लगी, और टक्कर लगते ना मोटरसाइकिल ऐसे घूम के ऊपर को आई। मेरी बताऊं क्या गलती थी, मैं ना अपना दोस्त था एक, उसकी तरफ देख रहा था, वो बैठा था दूसरी जगह, मैं उसे देख रहा था, देखने के चक्कर में जाके ठुक गई भाई। ये हुआ, बाकी और कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा थी। बट भाई मैं बताऊंगा तुम्हें कि मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ। मतलब मैं ना अपने जन्मदिन पर हमेशा मंदिर जाया करूँ था, गौशाला जाया करूँ था, और कल ना वो बच्चा आ गया, उसे छोड़ने के चक्कर में मैं बहुत लेट हो गया, फिर घर आ गया, फिर मतलब या अपने यार दोस्त कहने लगे कि चल भाई दावत दावत दावत, उस चक्कर में भाई ये हो गया। बट भाई ऐसा होना नहीं चाहता, बस भाई जन्मदिन पे मैंने ना गलती कर दी, और मेरा जन्मदिन ऐसा बन गया कि पूरी जिंदगी याद रहेगा। भाई ऐसा जन्मदिन कभी नहीं बना होगा जिंदगी भर भी मेरा, पर बन गया अब की बार। चलो भाई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, चलते हैं जल्दी। आगे से बाइक का पूरा हिस्सा खत्म हो गया था भाई, ये देख लो, ये मीटर वीटर सब टूट गए, पिछले वाला हिस्सा भी खत्म हो गया, जबकि ये जो टैल है ना, टैल इसे देखो भाई इसका क्या हुआ, और गद्दी कहाँ है, गद्दी पूरी फट गई भाई, प्लास्टिक प्लास्टिक निकल गई गद्दी की भी, यार घना नुकसान हो गया भाई। वो तो शुक्र है भाई जान बच गई, बस वही बहुत है, जान बची, लाखों पाए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, भगवान जी के नाम लेके। भगवान जी ने मेरे को बता दिया कि भाई तू बहुत असली है, जन्मदिन अकेला अकेला बना रहा, मेरे साथ नहीं बना रहा, हर बार तो मेरे साथ बना हुआ था, अब की बार अपने दोस्तों के साथ ही बनाना सोच रहा है। बट कोई बात नहीं, आई एम रियली रियली सॉरी भगवान जी। गाइस क्लेम लेने से पहले एक बार डॉक्टर के जाना पड़ेगा, मेडिकल भी बनवाना पड़ेगा, मेरा इलाज हुआ ना भाई कल अस्पताल में, वैसे वीडियो बननी सारी, बट भाई मेडिकल तो लगेगा भाई, कानूनी कार्रवाई होगी थोड़ी बहुत। पापा वाला इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, अगर पापा वाला इंश्योरेंस होता तो कोई दिक्कत नहीं, अब की बार मैंने कंपनी पे भरोसा करा, कंपनी धोखेबाज हो तुम्हें पता ही है, कंपनी पे कभी विश्वास न करियो भाई, गवर्नमेंट बीमे करवाओ, करवाओ तो, एंड एक तो क्लेम भी अच्छे तरीके से देगी, लेट देगी, बट देगी बढ़िया। अब प्राइवेट कंपनी वाले शुरुआत में वादे करेगी बहुत बड़े बड़े, और उसके बाद जब वादों पे खरा उतरने की, उस टाइम वो कह देंगे कि 10% लगेगा, 15% लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, पहले चल के करते हैं काम कुछ जो भी होगा। यार भाई बहुत दर्द है यार, लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़ेगा डॉक्टर के पास अपने। गाइज पर्चा तो बन गया भाई, मेडिकल वगैरह का जो बने वो तो बनवा लिया, अब चलते हैं भाई सीधा एजेंसी में। बबली की हालत चेक करो भाई, छड़ी इलाज लाके चल रही। गाइस एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बता दूं एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। ऐसे चल रहा था बिल्कुल 40 की स्पीड पे, उम्मा 50 की मान लो तुम, 50 की स्पीड उम्मा, मेरा दोस्त इधर बैठा था बिल्कुल यहाँ हुआ, जस्ट यहाँ। गलती मेरी थी कि मैं उधर क्यों देख रहा था भाई, मैं भाईचारा मेंटेन क्यों कर रहा था, बिना बात ही तो कर रहा था, उधर देख रहा था नू, अरे एकदम फुटी थी स्टोक की। पर भाई एक दिक्कत होगी, हमारा तो एक्सीडेंट हो गया था, एलॉय गिर भाई, देखिए फूट रहा मुंह भी। पहले रास्ते में भाई के पास आए थे, जिसके पास हमने एलॉय चेंज करवाए थे ना, उसका फोन मेरे पास था, वो फोन तो वापस कर दिया, 11 बजे तक बुला रखा, 11:30 बज गए यार। फाइनली गाइस पहुंच गए भाई एजेंसी पे, मेडिकल वेडिकल सारी चीज है भाई, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे सारी चीज लेके आ गया। भोलेनाथ की इच्छा होगी तो बुलाओगे भोलेनाथ भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता, पक्का भोलेनाथ जी मुझे बुलाओगे तो जाऊंगा भाई। एक तो भाई दे दी क्लेम के लिए, बट भाई तुम्हारा भाई बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा बिना शर्ट के, मतलब शर्ट तो पहन रहा है, ऐसे घूम रहा नंगा अपनी बाइक के चक्कर में। बाइक तो जमा करती भाई, देखते हैं कितने दिन के बाद मिलेगी भाई। इधर की साइड से वीडियो बनाऊ ना तो तुम्हें लगता होगा बिल्कुल सही हूँ, इधर की साइड से वीडियो बनाऊ ना तू गोवे यार, बट कोई बात नहीं भाई। व्यू के 47 भी गाड़ी में पड़ी, घर में इतनी क्लेश हुई, इतनी लड़ाई हुई कि तने ये करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गाइज मैं खुद मान रहा कि मेरी गलती थी, मैं देख नहीं रहा था, बट भाई क्लेश बहुत हुआ, गाली बहुत मिली, मम्मी श्वेता सब ने क्लेश कर दिया भाई। आज भी अंकल के पास आके भाई इंजेक्शन वगैरह लगवाने के लिए, क्योंकि तकलीफ बहुत है ना शरीर के अंदर, तो इंजेक्शन भी जरूरी है। चोट लगने का कारण एक ये भी है, इसने लगवाई मेरे चोट, बताऊं क्यों, यानू कह रही मेकअप करूंगी मैं तेरा, अल मेकअप हो गया, सच्चू वाला मेकअप हो गया, तो यहाँ से तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था ऐसा हो ना, मैं कभी सोचने की ऐसा हो। अगले वाली बारिश आई थी, बारिश तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं तो आराम कर रहा था भाई, दवाई लेके ऐसी दवाई दे रखी डॉक्टर ने, नींद भी आवे। हम जाने वाले हैं डाक कवर लेने के लिए, तुम्हें सबको पता भाई, पूरी कोशिश है, मैं गारंटी नहीं ले रहा कि मैं जाने वाला हूँ, भगवान जी बोलेंगे भोलेनाथ बोलेंगे तो जाऊंगा, बट भाई उससे पहले कोशिश तो कर सकते हैं। हमारी बबली तो चली गई डॉक्टर के पास, पता नहीं कितने दिन तक उसका ट्रीटमेंट होगा, कब तक वो आएगी, वादा तो करा उन्होंने 3-4-5 दिन का, बट भाई वो वादे पे खड़े उतरेंगे नहीं उतरेंगे ये भी तो भाई समस्या है। अब मेरा फोन भी फूट रहा, इसे भी ठीक करवाना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारी चमेली है इसे तैयार करेंगे भाई, इससे लेके चलेंगे भाई हरिद्वार। कोई बात नहीं, बबली के चोट लगी, चमेली तो अपने साथ ही है। पहले तो चमेली के अंदर सीट बीट सारी बाहर निकली पड़ी, पहले तो सीट बीट तैयार करते हैं, और मैं इस साइड से बनाऊंगा वीडियो, खब्बे हाथ से सब पे से बनाऊं तो ऐसी कल दिक्कत। ये रे भाई फरस, अबे हमने धोए थे साफ सुथरे करते, दोबारा ऐसे ही हो गए यार, ये तो फायदे क्या हुआ तुम्हारा साफ सुथरे करने का भाई, ये तो दोबारा ही ऐसे होगी। चलो भाई कोई बात नहीं भाई, दोनों गुड्डे चलो तो भाई, अबे ओ चलो तो भाई का मतलब मैंने ये कहा कि चलो भाइयों, चलो भाइयों, भाई साहब व्लॉग के लिए कहा चलो, तेज नहीं कहा कि तुम बाहर चलो। अब ये खुलेगी कैसे यार, ये तो पूरी बंद है,
पूरा अंडरग्राउंड लोग लग गया। बबली को तैयार कर, सॉरी चमेली को तैयार करेंगे, इसे लेके चलेंगे हरिद्वार। अब अपने गैंग में तो इतने खतरनाक लोग है, अनु कह रहे आजी चलोगे हरिद्वार, और गद्दी सीट लगाते हैं और उसके बाद इसमें झंडे वंडे का पूरा सेटअप करेंगे, तब लेके चलेंगे भाई हरिद्वार। और उससे पहले भाई बहुत सारे काम है, जैसे कि ट्रक वगैरह बुक करना, वो तो करवा दिया अपनी टीम वालों ने। देवा मेरा चोट लगी तो दुख नहीं है? नहीं, चला गया मेरे मामा के घर। भाई हमने अपनी चमेली को अंदर से धोया ना, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही जैसे कि नई वाली फीलिंग आ रही हो, जहाँ से जरी हुई है ना। पहले उसके लिए स्प्रे लाना पड़ेगा, पहले अपने गैंग वालों पे स्प्रे मंगाना पड़ेगा। भाई मैं तो ज्यादा सफर नहीं कर सकता, टूट फूट की सारी भी फूट गई, पीछे से भी फूट गई। ये वाली गद्दी पूरी रेडी करके सबसे पहले चमेली में पिछले वाली गद्दी सेट करेंगे, उसके बाद अगली वाली, नहीं हाँ उसके बाद अगली वाली गद्दी सेट करेंगे। चलेगा तेरी मम्मी मना कर रही थी, तेरी मम्मी नु कह रही थी तो किल्ला इसे ना लेके जाइयो, यो मानते नहीं यार। जब तक सिल्वर कलर का पैंट और ये वाले हुकामगे ना, हम रोकी को बर्फी को लूसी को घुमा के लिया हमें। ये हमारे पड़ोसी है, या मेरी ताई है, ये मेरी दादी है, ये मेरे अंकल है, ये मेरा पता भी नहीं ले रहे मेरा चोट लगी। अच्छा मेरे पास ना दिए, तेरी मम्मी कसम, तेरी मम्मी कसम, नो नो बर्फी सॉरी लूसी। अब मेरा नाना दोना कैंसिल हो गया, ऐसे ही भाई रोकी का भी नाना दोना बंद हो रहा है, दो तीन दिन से जब से पिकू ने इसके ऊपर अटैक रखा और वो इसका घाव हो रहा ना। अगर तू आज नहर में कूद गई, इसे तो कूदना था भाई, कूद ही गई। एक और लूसी आ गई सामने से, ये वाली लूसी, अब देखते हैं इनमें क्या होगा। पहले एक दूसरे को चेक करेंगे, बातचीत करेंगे। बट यह जो हमारे वाली लूसी है ना, इसे तो हम पूरा खतरनाक मानियो। बस भाई एक काम करना, रोकी को पकड़ कर रखिए, अगर ये इसके साथ एग्रेशन करने लगी ना, 100% रोकी पीछे अटैक मारता इसके ऊपर। रोकी खोलता का पट्टा, लूसी अकेली घुस गई शमशान घाट में, वो पूरा सामने कुत्ता पक्का पक्का छेड़का होगी न, आ जा वापस पीट देंगे तजवे लूसी। और भाई स्टंट थेरी ये गुंडी बता रही थी, मैं जैसे हैं ये स्टंट करेगा तो चोट तो लगेगी। कौन थी वा जो मेरी पीछे कैद लगा रही, ये खतरनाक लेडीज को ना भाई जो शिकायत लगा रहे यार। भाई लोग आए थे अभी पापा को छोड़ने के लिए, कोई झूठी है जिसने शिकायत लगाई पापा को, नु कह रही स्टंट मार रहा था वो तो। जिंदगी में मैंने शिवम के पास देखा था भाई, छोटा फोन दिखा शिवम अपना फोन, इस फोन को सोच रहा था कि भाई मैं ये छोटा सा है, बट भाई इस फोन को देखो तुम, यू कितने एक सा है यार। ओ भाई भाई मेरी उंगली जितना है। नमस्ते सर, इसे नमस्ते भाई, बस बस देख एक बार दांत तो नहीं लगे नु, देख ये गड़बड़ होगी। मैंने इसे हाथ से टी शर्ट पकड़ ली ना, तो पीकू ने दांत मार दी, दिखे टी शर्ट पकड़ी गई तेरी। सुन इधर हो पीकू, चल दिखा ऊपर करके। अरे रुक जा पीकू, अंदर चल पीकू अंदर। मैं इसकी टी शर्ट पकड़ी ना, ये पीकू पीछे भाई बच गया। मैंने इसकी ये टी शर्ट ऐसे पकड़ ली, तो ऐसे पकड़ती इसे लगा कि भाई मामला डाउन करना, इसने तो सीधा भाई इसकी कमर पे बुटका भर लिया होता। फाइनली गाइस स्प्रे भी आ गया भाई, जहाँ भी जर लग रहा ना सारी जगह स्प्रे मारेंगे भाई, तुम ज्यादा रिस्क न लियो। आज पता क्या हुआ, पीकू ने इसकी कमर पैट दी होती जहाँ। ओ भाई मेरा ना हाथ काम कर रहा था ये भाई साहब। गाड़ी में जितना भी जर लग रहा ना भाई, सारा जर खत्म कर देंगे, ऐसा स्प्रे लिया है। ऐसा तो है नहीं यार, ये तो नॉर्मल लोकल, पूरी गाड़ी में कहीं भी स्क्रेच नहीं है, बस भाई थोड़ा सा साइड में इधर की साइड है, इधर भी स्प्रे लगा दो। ये तू लगाओगा पीके भाई, चले स्प्रे मरण भर देगी जगह बीच में ना। वो फाइनल काम ये करते हैं कि इसमें कवर बिछाते हैं अंदर की तरफ, जो इसका फ्लोर मैट है, और उसके बाद गद्दी लगा के पूरा सेट करते हैं मामला। चमेली के कपड़े उतारना आसान था, लेकिन भाई से पहनाना बहुत मुश्किल है। अब देख रहे हैं जुगाड़ करके कि भाई कैसे कैसे पहनाया जाएगा, हमने उतार तो जल्दी जल्दी में दिए थे। पांच मिनट में कंप्लीट हो जाएगी भाई अपनी चमेली, पांच मिनट और लगने वाले हैं। भाई हम तो 15 लगाओगे, साले का खोपड़ी तोड़। और विशु पूरी हेल्प कर रहे, आज व्यू नहीं है, हाय साथ तक बना ली मैंने वीडियो, एक मिनट रुक जाओ। आज व्यू नहीं है, वरना भाई वो भी मिस्त्री बनता, वो भी अब तक बहुत काम करवाता। जब तक अपनी कार रेडी होती है भाई, तब तक डॉक्टर के चलता हूँ, डॉक्टर ने बुलाया था मुझे। अंकल ने ये वाली क्रीम दे दी, कह रहा अंकल क्या लगा कर, या क्रीम लगा लेना तन्ने जल्दी चोट ठीक हो जाओगी। भाई मैंने डॉक्टर के पास जाके ये कह रहा कि जल्दी ठीक करवा दो, कावट लेने जाना भाई साहब। चुप चुप फिगो रुक रुक चुप चुप अंदर 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 चोट लग रही है। अजी हाँ ये देख लो भाई, पीकू जब से यही बैठा मेरे इंतजार में, जब अपना छोटा गैंग आ गया मेरा पता लेने के लिए, मेरे चोट लगी देखो, गोड्डा भी टूट गया, ये गोड्डा टूट गया, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं जा रहा था बाइक पे और मेरे सामने कोई खड़ा था और उसका टक्कर लगी, उसके नहीं लगी एक भी चोट। आई यह बात सबसे बड़ी है कि उसके तो जरा सी खरोंच भी नहीं आई, जरा सी खरोंच पता मेरे में लगी, मेरा बैड लगता, मेरा जन्मदिन भी था। फाइनली चमेली बिल्कुल रेडी होगी आने के लिए, और ये चेक करो भाई पीछे से भी बिल्कुल रेडी, यहाँ से भी बिल्कुल रेडी, और गाइस इधर से भी बिल्कुल रेडी होगी भाई। बस इसमें कमी अब ना कवर किया है, कवर चढ़ जावे फिर बिल्कुल ऐसी हो जाओगी बिल्कुल एंटीक पी। ये भी सारे गैंग वाले ये कह रहे कि भाई एक बार सीसीटीवी फुटेज निकल सकती हो तो वो निकलवा लो, जब हमारा पब्लिक एक्सीडेंट हुआ ना तो उसमें पता भी लग जाएगा कि मेरी कितने परसेंट गलती थी। गलती मेरी थी पर कितने परसेंट थी वो भी तो पता करना पड़ेगा। स्विफ्ट गाड़ी चलाने में और मारुति 800 चलाने में बहुत फर्क है भाई, इस गाड़ी को ना वही लोग चला सके। मैं कहना नहीं चाहता भाई, काम खत्म नु कहोगे, पी के अपनी पढ़ाई करो जावे।
जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था पहले वहाँ चलते हैं, उस लोकेशन पे देख के आते हैं। हमारी बाइक का कुछ थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है क्या वहाँ? पब्लिक के कुछ कंगन और गहने यही ट्रक के नीचे ही। जो मेरा एक्सीडेंट हुआ ना भाई वो हुआ यहाँ। दो लड़के यहाँ खड़े थे अपनी बाइक लेके, उन्हें ना इधर की साइड मुड़ना था, आ रहा था सामने से, मेरी नजर थी उस साइड जहाँ ट्रक खड़ा ना इसके, यही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पड़े कंगन? कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था यहाँ, मोटरसाइकिल के पार्ट पड़े हुए ढूंढने आ रहा, ढूंढ लूँ इसके नीचे कहाँ है फिर पार्ट उसका? ये ट्रक था कल था यहाँ, ये भी आया ना, हमारा कल एक्सीडेंट हुआ था, तो इसका मतलब कहाँ होंगे? तू बता भाई जैसे एक बार बता था भाई तू इसे एक बार। लो भाई बबली के कंगन और गहने मिलने शुरू हो गए। ये रे भाई, ओ भाई ये रे भाई स्प्लेंडर, ओए होए 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 होए। चलो भाई जिसके कंगन गहने उठा ले। जहाँ हमारी सीसीटीवी फुटेज निकल सकती थी भाई, ये भी बंद हो गया और इधर ये भी बंद हो गया, हम थोड़ा लेट हो गया यार। मोटरसाइकिल जो तन्नवी करी नी यू यू वो है जो नुक्के नुई राखता कुछ नहीं होता बाबा, जो नुक्के नुई राखता जी ज्यादा चोट लग जाती, वास्तव में ही मोटे टायरों की वजह से बच गया मैं। तन्नू नहीं पता कुकर चला मैं अपना पीले धर के बड़ा नहीं की नसा बाबा, गाड़ी दवा दे फॉर्च्यूनर 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 का देख रहे तू, उसमें ही नहीं लगा मेरा चोट बस। अच्छा दवा दे जा। मित्रा ने टुट दे देखे अर्शा को तारे नहीं।